अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हाल है जी आप सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो तीमू शॉपिंग हॉल शेयर करूँगी। मैंने जो है वो घर के लिए कुछ चीज़ें मंगवाई थी, और तीमू के बारे में आपको बता दूँ कि ये एक ऑनलाइन स्टोर है और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है चीज़ों की, घर से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड, और मतलब काफ़ी रिजनेबल प्राइस में चीज़ें होती हैं। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले सोफ़ा कवर्स मंगवाए थे, और पहले मेरे पास जो है वो ग्रे कलर में थे, तो इस दफ़ा मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज करती हूँ, तो मैंने ये वाले मंगवाए थे और इनका फैब्रिक भी थोड़ा सा डिफरेंट था। ये मैंने चार मंगवाए थे, वन सीटर सोफ़ा कवर थे और चार थे, तो बाकी मैं जब जो है वो सेट करूँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी। और यहाँ पर मैंने जो है वो बाथरूम के लिए कुछ ये शेल्फ्स मंगवाए थे, शैम्पू और कंडिशनर वगैरह रखने के लिए। अच्छा, ये बहुत अच्छे आए थे, मतलब लाइट वेट हैं, मेटल में थे, और इनके साथ ये है कि मतलब आप इनको जो है वो इनके साथ स्टिकर मिलता है, ग्लू स्टिकर, इसके साथ जो है वो आराम से लगा सकते हैं, मतलब आपको जो है वो ड्रिल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपने ड्रिल करके लगाने हो तो साथ में उन्होंने वॉल प्लग वगैरह भी साथ में दिए हुए हैं। और उसके बाद मैंने शैम्पू, कंडीशनर और बॉडी वॉश के लिए जो है ना ये वाली बोटल्स मंगवाई थी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, और मैंने कब से लेना चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा एक दफ़ा नए घर में शिफ्ट होंगे तो तब लूँगी, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये। और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आई थी, मतलब इनका वुडन लिट थी ऊपर से और वो काफ़ी अच्छा लुक दे रही थी। और उसके बाद मैंने जो है वो किचन के लिए भी मंगवाई थी इस तरह की, लेकिन किचन के लिए मैंने ब्लैक मंगवाई थी, और ये भी बहुत अच्छी लग रही थी इनकी क्वालिटी, मतलब इनका जो प्लास्टिक था ना वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है। किचन में और बाथरूम में मतलब रखे हुए जो है ना इस तरह से बहुत अच्छा लुक आता है, मतलब इस तरह की बोटल्स रखी हुई अच्छी लगती हैं। उसके बाद मैंने ये एक स्ट्रेनर मंगवाया था दाल वगैरह के लिए, और ये स्पॉन्ज होल्डर मंगवाया था, और एक ये जो है वो ऑयल वगैरह डालने के लिए मैंने मंगवाई थी। इसकी अच्छी बात ये है कि ये जो है ना फोल्ड हो जाती है, तो फिर मैंने इसलिए मंगवा ली थी, और बहुत ही इनएक्सपेंसिव थी, कोई ज़्यादा महंगी भी नहीं थी। उसके बाद मैंने ये दो हुक्स मंगवाए थे, और ये बाथरूम के लिए मंगवाए थे, मतलब रेडिएटर में आप इसको लगा के तो टॉवल वगैरह हैंग कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये पंच फ्री वॉल स्टिकर्स मंगवाए थे, इसमें आप आराम से जो है ना वो पिक्चर्स वगैरह हैंग कर सकते हैं, वॉल क्लॉक हो गए, तो ये मैंने मंगवाए थे, मैंने 10 का पैक्स मंगवाया था और मैंने हैंग भी किए हैं, तो काफ़ी अच्छे रहे ये वाले। और कुछ इस तरह से डबल साइडेड टेप्स भी हैं, ये भी आप फ्रेम्स वगैरह में जो है ना वो लगा के दीवार पर लगा सकते हैं, मतलब खामखा आपको जो है ना वो ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा भी नया घर है तो हम चाह रहे हैं कि मतलब कम से कम जो है वो ड्रिल करें, तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे काफ़ी मिल रही हैं, तो बस मैंने भी जो है वो मंगवा ली थी। और ये मैंने बाथरूम के लिए मंगवाए थे, लोफा वगैरह हैंग करने के लिए। और ये भी शावर ब्रश है, ये भी मैंने मंगवाया था तीमू से। और इसके अलावा ये तो जो है वो हुक्स हैं मोप वगैरह हैंग करने के लिए, तो ये भी आप वॉल पे या टाइल वगैरह पे चिपका के जो आराम से मोप वगैरह होता है ना वो हैंग कर सकते हैं। तो इसमें भी ये स्टिकर है और सामने इस तरह से ये हुक दिया हुआ है, तो इस तरह से आप लगा के इसको चिपका सकते हैं, तो आराम से आप अपने मोप्स वगैरह जो है ना वो हैंग कर सकते हैं। मोप हो गया और जो झाड़ू जो यहाँ पे होता है ब्रश टाइप का वो हैंग कर सकते हैं, तो मैंने उसके लिए मंगवाए थे। तो अच्छा, ये मैंने एक कैबिनेट लाइनर मंगवाया था किचन के लिए। तो बस यही थी मेरी शॉपिंग, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।